मैं रंजन कुमार अमृत तिथि आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बंगाली समिति खजांची रोड पटना के कार्यालय में स्थित हूं और यहां के संयुक्त सचिव श्री विश्वनाथ देव जी हैं और इनसे बातें करता हूं कि आज जो ऐतिहासिक दिवस है विश्व इतिहास का, जिसमें कि कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, इस विषय में विशेष बातें करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आज बहुत खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन आज है। तो बहुत खुशी का दिन है जी, आज ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं, जो भारत में आमूल परिवर्तन किया हुआ है, जिसे 370 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के द्वारा ही संभव पर हुआ और हमारे वहाँ में राष्ट्रपति जी ने इसका हस्ताक्षर किए उनका क्वीन पर। ये बड़ा एक क्षण है और हम लोग बंगाली समिति के ओर से हम कह रहे हैं जो हम लोग बहुत खुश हुए, हमारे जो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कैप्टन डी के सिन्हा, सुनील दास, हमारे जो है ये एस एन सिन्हा फाइनेंस सेक्रेटरी, ये लोग सब खुश हुए। ये आज ऐतिहासिक क्षण है, जो 72 साल तक नहीं हो पाया वो 72 साल के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर हस्तक्षेप किया और 370 और 35A जो एक्ट आर्टिकल जो है उसको रिमूव कर दिया। एक नया सवेरे का शुरुआत हुआ आज के दिन, स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा जो आज हर वर्ष में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसके लिए आपको बधाई और साथ 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 महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को बधाई, उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनको भी बधाई, क्योंकि उन सभी के ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम के कारण ही ये जो है कश्मीर से 72 साल पुराना धारा 370 और 35A को हटाया गया, क्योंकि इस धारा 370 और 35A के कारण मानव अधिकार का हनन भी कश्मीर में हो रहा था, जम्मू और कश्मीर में, और लोग त्राहिमाम कर रहे थे और लोग इस धारा 370 और 35A से पूरे भारतवासी मुक्ति चाहते थे। अमृत जी की ओर से बिहार बंगाली समिति के सदस्यों को भी हार्दिक बधाई जी। और लग रहा है कि आज का दिन हमारे लिए होली और दिवाली दोनों ही है। बिहार में मनाया, पटना में मनाया और दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां भी बांटी जा रही है। खुशी हुई जी, जो जो कश्मीर मैंने देखा था आज से 40 साल पहले और वो कश्मीर आज क्या परिवर्तन हो गया, यही हमको दुखद है। आज फिर नया करके कश्मीर फिर होगा, नया वो जन्नत होगा जिसको स्वर्ग का द्वार कहा जाता था, फिर ये नया करके हम लोग देख पाएंगे। आप कश्मीर गए थे, उस यात्रा के बारे में जरा दर्शक संक्षेप में जानना चाहते हैं। हाँ, हम गए थे 1969-70 उसमें तो कश्मीर का माहौल कुछ अलग था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। हम लोग शिकारा में घूमे, 2 दिन शिकारा में रहे, हम लोग को जो देखभाल कर रहे थे कितना अच्छे सुहाग के आदमी थे, सुबह का नाश्ता करके लाते थे, शिकारा का मालिक होते हुए भी उनका कोई घमंड नहीं था, बहुत अपनापन। वो कहते थे आप ही लोग तो हम लोग का लक्ष्मी लक्ष्मी यूज़ किए थे सब, तो उस दिन का हम भुला नहीं पाएंगे। और वो तो जो हम दृश्य देखा कश्मीर का उस समय, वो एक अलग लग रहा, हम लोग जन्नत में पहुँच। उसमें शायद ये शांति और भाईचारा का भी वहाँ माहौल था, बहुत बहुत जी भाईचारा का माहौल बहुत था उसमें, इतने पॉलिटिक्स लोग नहीं जानते थे, घृणा भी नहीं था, घृणा भी था सहज, घृणा नहीं था, नहीं था घृणा, कोई घृणा नहीं था, और आदमी से मिलते थे, कदर करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन हम जब 2013 को हम गए थे वहाँ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए परिवार के साथ और फिर वहाँ भी गए थे, तो वहाँ देखे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो,
जो जो है वहाँ वो जो मैंने देखा था 1969-70 में वो नहीं रहा। हाँ, वो जो वादी का जो नज़ारा वो भी नहीं रहा, जो फूल पौधे देखे थे उस समय वो भी नहीं रहा इतना जो मैंने उस समय देखा। पूरा कश्मीर सजावट से सजावट, प्राकृतिक सजावट से चारों तरफ से आच्छादित था। और अभी जो है डर का माहौल, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो कदम उठाए ये तो सराहनीय है, कभी उसको बुलाया नहीं जाएगा। हम लोग एक नया सवेरे में पहुँच सवेरे में पहुँचे, भारत का ये एक नया सवेरा है जो उन्हीं लोग के लिए ये संभव हुआ। नहीं तो कब से हम लोग चाह रहे थे 370 धारा हटाए जाए, 35 ये हटाए जाए, लोग जाकर वहाँ से शांति से बसवास कर सके। 370 में तो वहाँ बाहर के लोग नहीं रह पाएंगे, हम अपना ज़मीन वहाँ खरीद नहीं पाएंगे, हम वहाँ जाकर अपना कोई बिजनेस नहीं खोल पाएंगे, तो क्या स्वाधीनता भारतवर्ष का राज्य होकर वो अलग देश अलग झंडा ये क्या? हम लोग सब भारतवर्षी एक हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, हम कोई वहाँ नहीं रहने देंगे, ये क्या बात? हम लोग का हक बनता है, भारत के एक राज्य है, राज था, अब तो नहीं है, अब तो केंद्र शासित हो गया है, लेकिन राज रहते हुए भी जो हम वहाँ बसवास नहीं करते, काश्मीरी पंडित को हटा दिया, ये क्या बात? ये बहुत गलत हुआ। हम चाहेंगे जो काश्मीरी पंडित फिर वहाँ जाकर बसवास करें, शांति अमन रहें, लोग शांति से अपना निर्वाह करें। और लोग अगर बाहर के लोग जाकर अपने ज़मीन खरीद कर अपना मकान बनाना चाहते हैं, वो जाकर वहाँ रहे, अपने मकान बनाए, अपने बिजनेस करे, सौहार्द माहौल बन गए। और वो जो कश्मीर जो जन्नत को द्वार कहा जाता है वो फिर लौट आए, वो माहौल फिर से बने। हम तो फिर कहेंगे एक नया सवेरे का जन्म लिया। आज फिफ्थ अगस्त है ना, इस फिफ्थ अगस्त ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा, और इस स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा मोदी साहब, अमित शाह हमारे वहाँ होने राष्ट्रपति का नाम भी इसमें लिखा। नमस्कार, अपना परिचय दे देंगे। मैं श्री रंजना सिंह पटना से, मैं बहुत दिनों तक रामू में से मेरी टीचर नहीं हूँ। मेरा विशेष कोई परिचय मैं देना नहीं चाहती हूँ, आज इस माहौल में मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश के इस जो इतना नया कदम उठाया गया उससे हम इतना खुश हैं कि मेरा जो भी बोलना है सब बोलती बंद हो गया है, उसी से भी होता है ना जी जी। इतनी खुशी हुई कि मैं इसको वर्णन नहीं कर सकती हूँ ना, इतिहास के पन्नों में ये स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा, जो कि भावी जनता भी इसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, इसको महसूस कर पाएंगे। और आगे हम हमारे जैसे एक साधारण सी महिला इसके बारे में हम क्या बोले, इससे आगे तो हमको बोलने का कुछ नहीं है, लेकिन आज हर्षित दिन है ना, हंसने ऐतिहासिक हर्षित दिन है, जो कि सभी लोगों को ना, जो अनपढ़ गवार भी हैं उनके मन में भी एक दाग लगाए हैं। आज हम सभी खुश हैं आज। हाँ, वो लोग भी बहुत ही खुश हैं है ना, जो मैंने समझते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये खुशी जो है सारे जनता को जगा दिया है, सारी माहौल को एकदम खुशी से। राजधानी पटना में भी जगह जगह पर खुशियाँ मनाई जा रही है, आतिशबाजी छोड़े जा रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोग खुशियाँ बधाइयाँ दे रहे हैं, फोन पर भी मनाए हैं लोग, है ना, अबीर से ये सब भी मनाए हैं। तो ये हम लोग के लिए ऐसे भी अगस्त का महीना हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना, क्रांतिकारी महीना है जी। और इसी अगस्त में
बहुत सारे जैसे शहीद दिवस भी इसी महीना में, हमारे स्वतंत्रता दिवस भी इसी महीने में मनाया जाता है, और भी बहुत सारे जैसे हमारे ब्राह्मण समाज के भी यहाँ इस महीने में एक बहुत महत्व है। और मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धदेव घोष जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो एक तरह से कहिए संत राजनेता हैं और भारत माँ के माता के एकदम वीर सपूत हैं, और उनका नाम जो है क्रांतिकारी महापुरुषों में लिया जाएगा, जैसा कि जो वेस्ट बंगाल के स्वामी विवेकानंद हैं। और जी जी, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जैसे हमारे समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय माना जाता है, और विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो एडल्ट एजुकेशन में शिक्षा, नारी शिक्षा के लिए अग्रणी भूमिका लिए हैं, और इस युग में हम कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नारी उत्थान के लिए कदम उठाए, जो तीन तलाक जो है उसको भी वो उत्थान के लिए काम करे हैं, बहुत सराहनीय है। आज इसी का माहौल है जी, तीन तलाक जो हटा दिया गया है, मुस्लिम महिलाओं में खुशी का माहौल है। एक तरह से कहा जाए बहुत बड़ा काम किया है, एक तरह से कहा जाए कि ये मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का काम है, तीन तलाक को दूर करना। जी, जी एकदम सशक्तिकरण ही है। और बुद्धदेव घोष जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद तो बहुत सारे काम किए, उनका सपना बहुत कुछ था भारत माता की सेवा के लिए, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक तरह से कहा जाए कि स्वामी विवेकानंद के दूसरे अवतार हैं, और स्वामी विवेकानंद का जो अधूरा सपना था उन्हें वो पूरा कर रहे हैं। हाँ, क्या मैंने सही कहा? एकदम सही कहा। वो स्वामी विवेकानंद बचपन का नाम तो नरेंद्र जी था। जी जी, उन्हीं के नाम से इनका नाम लिया गया, क्योंकि वो एकदम एडमायरर है, उनके ही रास्ते पर चले, उन्हीं के आदर्श को मानते गए, और उनका आदर्श भी है, माननीय मोदी जी का आदर्श है। जी, मोदी साहब एक बार गए थे बेलूर मठ जी, जो वहाँ स्वामी जी होना चाह रहे थे, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी थे बेलूर मठ के स्वामी जी अच्युतानंद, क्या नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जब तुम्हारा अभी देश के लिए बहुत सारे कार्य करना है, अभी जो है सन्यासी ग्रहण नहीं कर सकते तुम्हारे देश के लिए, स्वामी जी होने गए थे बेलूर मठ में, तो उन्होंने कहा कि देश के लिए तुम्हारा काम करना है, ये काम करने के बाद ही तुम कुछ कर पाओगे, तब वो फिर पॉलिटिक्स में आए। इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं जो धार्मिक प्रगति के मनोभाव रखते हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं करते हैं, लोग दूसरे के लिए अपने भाई भतीजा परिवार के लिए पैसा दान करते हैं, पैसे से बड़े बड़े फैक्ट्री कर देते हैं, दुकान कर देते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं किए, एक तरह से उनका जीवन पूरा संत की तरह है, संत की तरह। और रही बात की अदृश्य रूप से स्वामी विवेकानंद ने उन्हें आदेश दिया कि मेरा जो सपना है, जो उनका स्वप्न था अधूरा सपना, उसको पूरा करने का आदेश दिया, और वो उन्हें वो पूरा भी कर रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है पूरे भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, और भारत माता के लिए भी। जी जी, आज भारत माता बहुत खुश होंगी। आज देशवासी वो आने के बाद दो अच्छे काम भारतवासी कभी भुला नहीं सकते। जी जी, ऐतिहासिक पट में यह बात रहे। और माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी विश्व के इतिहास में, केवल भारत नहीं मतलब विश्व के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने भारत माता को ये जो धारा 370 और ये 35A का जो था ये गुलामी का जंजीर कही एक तरह से, उसे मुक्ति दिलाया, जिससे कि मानव अधिकार का हनन भी हो रहा था, जो वहाँ के कश्मीर और जम्मू के जो वासी थे वो रो रहे थे, उन्हें खुशियाँ मिली। आज अभी जो है पर्यटक लोग भी काफ़ी लोग जाएंगे घूमने के। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धदेव घोष जी और विश्वनाथ देव जी, विश्वनाथ देव जी, पुनः सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और आज तो दिन है होली मनाने का और दिवाली मनाने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। मैं रंजन कुमार, अमृत तिथि न्यूज, पटना बिहार।
नमस्कार।